बी में एडमिशन का सारे ही स्टूडेंट को वेट रहता है उसका कोई भी अपडेट होता है उसकी कोई भी न्यूज होती है एंड कैसे एडमिशन लेना है रूल्स चेंज होते हैं हर बार कुछ ना कुछ क्राइटेरिया ऐड होता है वेटेज मिलता है किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है देर आर लॉट ऑफ थिंग्स और लास्ट ईयर से दिस ईयर द थिंग्स हैज़ बीन कंप्लीटली चेंज तो अभी जो बी ने नोटिस निकाला है उसके अकॉर्डिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन विच यू हैव पोस्टेड एंड यू हैव रिक्वेस्टेड मी सर प्लीज़ क्लैरिफाई how to take admission in BHU today we'll discuss about the notice about the category and how you can take admission in the Banaras Hindu University for the PhD program बी एच यू ऑनलाइन डॉट इन पे इफ़ यूल सी कि बच यू पी एच डी एंड ट्वेंटी सेशन का जो अभी आपके पास लेटेस्ट अपडेट आने वाला है विद इन वेरी लाइक आई कैन से विद इन अ मंथ सो द एडमिशन नोटिफिकेशन इसी के बेस पे आएगा एंड व्हाट इज़ दिस नोटिस ये नोटिस पहले भी आ चुका था एंड अगर इस नोटिस को हम देखें तो वॉट दे हैव मैंशन क्लियरली इसको डिस्कस करते हैं ट्वेंटी ये लोग बता रहे हैं जो पब्लिक नोटिस यू के अंदर आया था ट्वेंटी ऑफ मार्च को उसमें ये डिसाइड हुआ था कि यू जी सी सी एस आई आर नेट एग्ज़ामिनेशन के बेस पे पी एच डी के प्रोग्राम के एडमिशन होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में दे विल बी नो सेपरेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट इनिशियली क्या होता था वील गिव एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन हम लोग देते थे और नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन देने के साथ जब हम क्वालिफाई कर लेते थे रैंक तो उसके मार्क्स के बेसिस पे हम यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म डायरेक्टली फिल करते थे अगर हम जे आर एफ हैं सो हमको एग्ज़ामिनेशन नहीं देना होता था उस सेक्शन को बोला जाता था एग्ज़म्पट हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेक्शन रहता था एग्ज़म्पट जिसमें जो जे आर एफ के स्टूडेंट या फिर सिर्फ एल के स्टूडेंट अप्लाई करते थे और डायरेक्टली इंटरव्यू देते थे और सेलेक्ट होते थे फॉर दिस पी प्रोग्राम जो सेकेंड सेक्शन होता था सारी यूनिवर्सिटीज़ का वो होता था रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट वो सारी यूनिवर्सिटी सेपरेटली लेती थी एज़ पर द यूनिवर्सिटी नाम और उसको वो लोग भी दे सकते थे दोज हु हैव नॉट क्वालिफाइड एनी एग्जामिनेशन ईदर सी एस आई आर यू जी सी और एनी अदर लाइक गेट और डी एस टी और एनी अदर एग्जामिनेशन जो भी कोई क्वालीफाई नहीं किया है सो so, वो लोग डायरेक्टली एग्जामिनेशन देते थे देन इंटरव्यू देन एडमिशन नाउ, एज पर द यू जी सी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को नाउ, दे आर नॉट अलाउड टू कंडक्ट अ सेपरेट एग्जामिनेशन तो यूनिवर्सिटीज़ को अब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे डायरेक्टली वो एडमिशन नहीं लेंगी अनलेस अनटिल यू हैव अ स्कोर ऑफ दिस एग्जामिनेशन सो दिस वॉज क्लियरली मैंशन कि आपको अपियर ज़रूर होना है इसके अंदर उसके बाद यूनिवर्सिटी का डिसीजन होगा थोड़ा सा मैं बोलूँगा इट्स नॉट अ कम्प्लीटली फेयर डिसीजन आप अगर एग्जामिनेशन करा रहे हो एंड यू आर नॉट अलाउइंग द स्टूडेंट फॉर दोज हुव नॉट अपियर दिन दिस एग्जामिनेशन दिस इज नॉट फेयर या तो एग्जामिनेशन आप मत करा ओनली बिकॉज ऑफ दिस नंबर यूल टेक द एडमिशन बट द थिंग्स आर नाउ बीन चेंज सी यूनिवर्सिटी टू मोड एडमिशन के लिए ओपन करेगी फॉर ऑल द स्टूडेंट इधर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट मोड यह पहले भी होता था बट दिस वॉज ओपन फॉर ऑल बट नाउ दिस मोड इज नॉट ओपन फॉर ऑल ये किसके लिए ओपन होगा अभी नीचे डिस्कस करते हैं एंड द सेकेंड मोड इज रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम मोड ठीक है So, जो जे आर एफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है जिनके पास हाथ में जे आर एफ है क्वालिफाई किया है किसी भी रैंक से बट दे हैव द जे आर एफ सर्टिफिकेट वो इस सेकेंड मोड में जाएंगे वंस द यूनिवर्सिटी विल ओपन द फॉर्म यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ वो जल्दी आने वाला है डोंट वरी नाउ वट इज दिस फर्स्ट मोस्ट द जे आर एफ क्वालिफाइड कैंडिडेट

मतलब अगर आप इस एग्जामिनेशन में नहीं बैठे हो आपने इस एग्जामिनेशन को फिल नहीं किया था एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया था आप कैटेगरी टू और थ्री में नहीं आए थे देन यू कैन नॉट अपियर इन दिस मोड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट मोड यू कैन नॉट फिल दिस फॉर्म अब आप बोलोगे कैटेगरी टू एंड थ्री क्या है चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं सो दिस इज द कैटेगरी Uh, ये जो है दिस इज मैं दिखा देता हूँ व्हाट इज दिस दिस इज सी एस आई आर यू नेट का ब्रॉशर एन टी ए सी एस आई आर का और इफ विल गो टू द एर्थ पेज दिस वन यू वेन्स अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन यू विल क्वालिफाइड बेस्ड ऑन योर मेरिट बेस्ड ऑन योर मार्क्स देन यू विल बी क्वालिफाइड इफ यू विल बी क्वालिफाइड देन यू विल बी क्वालिफाइड ओनली इन थ्री कैटेगरीज कैटेगरी वन इज द एवार्ड फॉर द पी एच डी एंड द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपके पास जे आर एफ है आपके अच्छे मार्क्स आए हैं एंड यू एन अपॉइंटेड एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ठीक है सो जे आर एफ इसमें मिलेगी मतलब आपको फेलोशिप मिलेगा येस इज दिस कैटेगरी में मिलेगा आर यू एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर येस आर यू एलिजिबल फॉर द पी एच डी एडमिशन येस मतलब आप तीनों के लिए एलिजिबल है फॉर द कैटेगरी वन मतलब ये अलग ही कैटेगरी होगी ये सीधे फॉर्म भरेंगे इंटरव्यू देंगे और अंदर जाएंगे राइट नाउ द कैटेगरी टू विल दे दी आर एफ नो पैसा नहीं मिलेगा मतलब ये नेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट हुए विल दे एलिजिबल एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर यस के है क्योंकि इनकी मेरिट कैटेगरी वन से थोड़ा सा कम है हो सकता है दो मार्क्स चार मार्क्स के बेसिस पे ये डाउन हो गए नाउ द पी एच डी एडमिशन विल दे गेट दी एच डी एडमिशन यस तो कैटेगरी टू वाले भी ले सकते हैं कैटेगरी थ्री वाले भी ले सकते हैं बट द प्रॉब्लम इज विद दिस कैटेगरी कैटेगरी थ्री एडमिशन टू द पी एच डी ओनली अब आप सोचो इट्स इट इज रियली अ वेरी बिग स्टेटमेंट यू हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन यू आर एलिजिबल टू टेक द एडमिशन बट पी एच डी के बाद क्या करोगे यू आर गोइंग टू कंप्लीट द पी एच डी फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अदर गुड इंस्टीट्यूशन बट एट द एंड यू आर नॉट eligible to apply for the positions which are open for assistant professor reason being you have qualified under category 3 yaar to तो category 3 qualify karne ka matlab hai aap hat jao you will give another attempt qualify karo otherwise it's very difficult अगर आप assistant professor के लिए eligible ही नहीं हो तो पीएचडी करके करोगे क्या आपने एक लाइन अपनी बंद कर दी so, आई होप यू अंडरस्टैंड द थ्री कैटेगरीज तो अगर आप टू एंड थ्री कैटेगरी के अंदर हो तो आप बी एच यू के एग्जाम दोगे और अगर क्वालिफाई करोगे देन यूल गिव द इंटरव्यू एंड ऑल अगर एग्रीकल्चर से हो दैन ए एस आर बी का स्कोर बहुत ही ज्यादा जरूरी है दैट मीन्स अगर आपके जो मेजर एग्जामिनेशनस हैं अगर आपने वो नहीं दिए हैं देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक एडमिशन इन देंट्रल यूनिवर्सिटीज So the candidates are accordingly advised to apply for this. For getting admission at BHU, earlier score of net shall not be valid. This statement is very bad. University must consider this statement at least for this session because there are some students, like whether they are not uh, because of some personal reason they are not able to appear in this examination and this notice came to the picture and where they goes so at least for 25 20 24 25 session they must exempt this line but it's all academic decision it's very difficult to change so the detail of the brochure will be released very soon and once you will get the brochure i'll explain each and every point in detail if you have any doubt so i guess most of the doubt has been clear regarding this category challenges and regarding the admission to the bhu मुझे बताओ इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द कैटेगरी रिलेटेड टू योर फ्यूचर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते इन कैटेगरी थ्री दिस इज स्ट्रेंज सीरियसली सो अगर इस पर आप डिस्कशन करना चाहते हो वॉट शुड बी द विदिव प्लीज 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 कॉमेंट बिलो सो दैट आई गेट टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सेक्शन और आई कैन से सेशन फॉर दिस कैटेगरी थ्री थैंक यू सो मच हैव एन आइज डे बाय टेक केयर